नमस्ते बिटिया, हमेशा खुश रहो। माई सेल्फ डॉक्टर पूजा शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्वास्थ्यता डिपार्टमेंट, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। टुडेज टॉपिक इज बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इन दिस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट द सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, नीड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, शेड्यूल फर्स्ट अकॉर्डिंग टू शेड्यूल फर्स्ट, देन कलर कोडिंग एंड टाइप ऑफ कंटेनर, प्रिकॉशंस एंड कंक्लूजन। फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। इट इज़ डिफाइंड एज एनी सॉलिड लिक्विड वेस्ट इंक्लूडिंग इट्स कंटेनर एंड एनी इंटरमीडिएटेड विच इज़ जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स और इन रिसर्च एक्टिविटी पर्टेनिंग देयर टू और इन द प्रोडक्शन और टेस्टिंग ऑफ बायोमेडिकल्स। मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट में वो सभी चीज़ें आती हैं जो एट द ड्यूरिंग ऑफ मेडिकल प्रोसेस हमें प्राप्त होती है, जैसे कि डायग्नोसिस के टाइप में, ट्रीटमेंट के टाइम में, किसी इम्यूनाइजेशन कैंप चल रहा है उस टाइम में, कोई रिसर्च प्रोसेस चल रही है उस टाइम में, इन सब में जो भी हमें बायोमेडिकल वेस्ट प्राप्त हो रहा है, चाहे वो सॉलिड रूप में प्राप्त हो रहा है या फिर लिक्विड रूप में मिल रहा हो, उन सबको बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर इंक्लूड किया जाता है। देन सोर्स ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि आप सबको पता है, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, लेबोरेटरीज, रिसर्च सेंटर्स, होम केयर, ब्लड बैंक्स, बायोटेक इंस्टीट्यूशंस, प्रोडक्शन यूनिट्स, फ्यूनरल सर्विसेज, नर्सिंग होम्स, मोर्चरीज, ऑटोप्सी सेंटर्स एक्सेट्रा। इनके अलावा और भी सोर्सेज हो सकते हैं जहाँ पे से हमें बायोमेडिकल वेस्ट प्राप्त होते हैं। देन हम आगे डिस्कस करते हैं कि नीड फॉर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब इसकी ज़रूरत क्या है, मैनेजमेंट की ज़रूरत क्या है। तो टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन डायरेक्टली ड्यू टू वेस्ट और ड्यू टू डिफेक्टिव इंसिनरेशन इमिशन एंड आस। मीन्स बायोमेडिकल वेस्ट को अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो उसकी वजह से एयर में भी कंटामिनेशन होगा, वाटर में भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होता है, सॉइल में भी हो सकता है। तो इन सब को मिनिमाइज़ करने के लिए, कम करने के लिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं मैनेजमेंट करते हैं इनका प्रॉपर तरीके से तो एयर वाटर सॉइल पॉल्यूशन होके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनवायरनमेंट पॉल्यूशन होता है, जो कि अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, उससे काफ़ी इन्फेक्शन फैलने के चांसेस हैं, कोई भी डिजीज़ फैलने के चांसेस हैं और फिर हमारा अनहेल्थी एनवायरनमेंट बनता है, हम सब बीमार होने के चांसेस रहते हैं, जो इकोनॉमिकली, सोशली और पर्सनल लेवल पर भी एक गुड कंट्री के लिए ठीक नहीं रहता है। इसलिए गुड कंट्री को हेल्थी बनाने के लिए हमें वेस्ट मैनेजमेंट की नीड है। देन नेक्स्ट वन इज चेक द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन आउटसाइड द हॉस्पिटल फॉर द वेस्ट हैंडलर्स एंड स्केवेंजर्स एंड अदर पीपल्स। मीन्स अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करेंगे तो हॉस्पिटल के बाहर वाले, अंदर वाले में तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी जो होगी, बाहर वाले इन्वायरमेंट में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। स्केवेंजर्स मीन्स जो एनिमल्स डेड बॉडी को लेते हैं, वो उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं, वो इधर उधर खा के और वेस्ट मटेरियल को इधर उधर छोड़ देते हैं, तो उससे अनप्लीजेंट साइटनेस फील होती है, अनऑक्जियस ऑर्डर फील होती है, मतलब गंदी दुर्गंध आती है, देखने में भद्दा और अनप्लीजेंट्री लगता है, काफ़ी नेगेटिव फीलिंग आती हैं। तो इससे हमारे मेंटली और फिज़िकल दोनों तरीके से, इवन सोशली भी काफ़ी डिस्टर्ब होता है।
देन कैटेगरीज की बात करते हैं, तो यहाँ पे 10 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है शेड्यूल वन के अकॉर्डिंग। ये 1 to 10 कैटेगरीज अलग अलग टाइप ऑफ वेस्ट को डिवाइड करती है, देन ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑप्शंस को भी बताती है। जैसे कैटेगरी फर्स्ट में ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट बताया गया है, कैटेगरी सेकंड में एनाटॉमिकल वेस्ट बताया गया है, कैटेगरी थर्ड में माइक्रोबियल और बायोटेक्नोलॉजिकल वेस्ट बताया गया है, कैटेगरी फोर में वेस्ट शार्प मटेरियल्स बताए गए हैं। एज़ यू नो दैट कि वेस्ट शार्प मटेरियल में नीडल्स, स्कॉल्प ब्लेड्स, ग्लास और भी कई चीज़ें काउंट्स होती हैं। देन कैटेगरी फाइव में डिस्कार्डेड मेडिसिन, साइकोटॉक्सिक ड्रग्स और भी कई केमिकल थिंग्स आती हैं। देन कैटेगरी सेकेंड में, सिक्स्थ में सॉलिड वेस्ट आ जाएंगे, जिसमें हम कोटन, ड्रेसिंग, सॉलिड प्लास्टर कास्ट, इन सभी चीज़ों को काउंट करते हैं। देन कैटेगरी सेवन में सॉलिड वेस्ट सच लाइक कैथेटर, इंट्रावेनस सेट्स वगैरह काउंट किए जाते हैं। फिर कैटेगरी एट में लिक्विड वेस्ट होता है, लिक्विड वेस्ट में आपका ब्लड भी हो सकता है, वेस्टेज और भी पार्ट होता है जो भी यूज़ किया जाता है प्रोसेस के ड्यूरिंग। देन कैटेगरी नाइन में इंसिनरेशन आस हो सकती है बायोमेडिकल वेस्ट की। देन कैटेगरी टेन में केमिकल वेस्ट हो सकता है, इंसेक्टिसाइड, डिसइंफेक्टिंग, अदर थिंग्स। फिर उसके बाद में है ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ ऑप्शंस, तो हर कैटेगरी के हिसाब से इनका ट्रीटमेंट और डिस्पोजल बताया गया है। फिर कलर कोडिंग की बात करते हैं कि कलर कोडिंग और टाइप ऑफ कंटेनर क्या है, तो अलग अलग कलर के कंटेनर के लिए अलग अलग टाइप ऑफ बैग्स और वेस्ट कैटेगरी बताई गई है। जस्ट सच लाइक येलो कलर के कंटेनर के लिए कोड के लिए प्लास्टिक का बैग बताया गया है, जिसमें कैटेगरी 1, 2, 3, 6 इंक्लूड की गई है और ट्रीटमेंट ऑप्शन इंसिनरेशन प्लस डीप ब्यूरियल बताया गया है। इस तरह के रेड कलर कोड के लिए डिसइंफेक्टेड कंटेनर और प्लास्टिक बैग ही काउंट किया गया है। इसी तरह अदर भी कई कलर कोड बताए गए हैं, उनके लिए अलग अलग टाइप के कंटेनर, वेस्ट कैटेगरी और ट्रीटमेंट ऑप्शन बताए गए हैं। फिर हम बात करते हैं प्रिक्यूशंस की। प्रिक्यूशंस में हम लेते हैं कि मेडिकल पैरामेडिकल जो सैनिटाइजेशन स्टाफ है शुड बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट द हेपेटाइटिस बी यूजिंग स्पेशली हैवी ड्यूटी ग्लव्स, एप्रोन, मास्क, बूट्स व्हाइल द डीलिंग विद द इन्फेक्शियस वेस्ट, रिकैपिंग नीडल्स शुड बी डिक्रीज्ड। इन केस ऑफ अनअवॉइडेबल सिंगल हैंडेड मेथड शुड बी यूज्ड सेग्रीगेशन ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट एंड सेफ डिस्पोजल। अच्छा, हम यहाँ पे बात करते हैं कि प्रिकॉशंस क्यों, क्या और कैसे लेना चाहिए। तो यहाँ पे प्रिकॉशंस की बात आती है कि जब हम अपना, जब जो भी स्टाफ है उसको प्रॉपर तरीके से ग्लव्स यूज़ करना है, एप्रोन यूज़ करना है, मास्क यूज़ करना है, बूट यूज़ करना है और अपने आप को थोड़ा सा सेफ जोन में रख के से प्रॉपर तरीके से जो भी प्रोसेसेस को फॉलो करनी है, डिस्पोज अच्छे से करना है, ये सब चीज़ इसमें काउंट आएगी कि कैसे करना है। फिर उसके बाद में क्यों करना है, अगर ये चीज़ें हम अवॉइड कर देंगे प्रिकॉशंस तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इवन हम जब इन्फेक्ट होते हैं तो सिंगल वन पर्सन से इन्फेक्शन एक चैन के थ्रू पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मेडिकल स्टाफ को ही अपना प्रिकॉशंस ध्यान रखना होता है, जिससे पेशेंट्स में और अदर स्टाफ में प्लस उसके फैमिली और सोसाइटी में वो इन्फेक्शन ना फैले। देन कंक्लूजन की बात करते हैं। थस रिफ्यूज डिस्पोजल कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट द पब्लिक एजुकेशन। पब्लिक के एजुकेशन, विदाउट पब्लिक एजुकेशन इट्स नॉट 100% वर्कआउट, बिकॉज विदाउट द पब्लिक हेल्प इट्स नॉट पॉसिबल दैट वेस्ट और बायोमेडिकल वेस्ट ऑल्सो मैनेज प्रॉपरली। देन इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन इज रिक्वायर्ड मस्ट, म्युनिसिपैलिटीज एंड गवर्नमेंट शुड पे इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इकोनॉमिकली ऑल्सो।
Thus, educating and motivating on oneself first is important and then preach other about it. हर किसी को मोटिवेट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए रिगार्डिंग टू बायोमेडिकल वेस्ट, और फिर उसके बाद में खुद उस चीज़ के लिए अवेयर होने के साथ साथ हमें दूसरों को भी इस चीज़ के लिए अवेयर करना होता है, मोटिवेट करना होता है. देन स्टार्ट डिस्पोजिंग वेस्ट फर्स्ट फ्रॉम विथ इन योर होम, देन आउटसाइड होम, देन नेबरहुड, देन स्ट्रीट, देन एरिया, देन सिटी, देन नेशन एंड द वर्ल्ड. इस तरह हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पे फोकस करके एक बहुत बड़े एरिया को हेल्थी एनवायरनमेंट बना सकते हैं और काफ़ी सोसाइटी में इकोनॉमिकली और एक फर्स्ट स्टेप फैमिली से पर्सन से काफ़ी हेल्प कर सकते हैं. बाकी इन शॉर्ट में हमने इस बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट टॉपिक को कवर करने की कोशिश की है. एज यूजुअल आप अपने जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे आप अपने प्रॉब्लम सेशन में डिस्कस करेंगे मुझसे. आई विल शॉर्ट आउट दिस एंड डिटेल्स के लिए आप अपनी रेफरेंस बुक्स को देखेंगे. थैंक यू सो मच.